आए तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बहुत लोगों को पल्स ऑक्सीमीटर भी इस्तेमाल नहीं करना आता, जिसकी वजह से उनकी जो रीडिंग होती है वो एक्यूरेट नहीं होती, वो फ्लैक्चुएट करने लगती है। तो सबसे पहली चीज़, आप कोई भी पल्स ऑक्सीमीटर ले रहे हैं, एक चीज़ बताना चाहूँगा, 100% एक्यूरेसी किसी की भी नहीं होती। फिर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कंपनी का पल्स ऑक्सीमीटर लिया है। वैसे तो आप किसी भी कंपनी का अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उसके रिव्यू पढ़े, सबसे बेस्ट तरीका यही है। दूसरी चीज़, अब डिपेंड करता है कि SpO2 क्या होता है। SpO2 होता है आपकी जो सेचुरेशन पल्स ऑक्सीजन है वो कितनी है, वो 90 से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा आता है PR, मतलब आपकी हार्ट रेट कितनी है। हार्ट रेट चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, जब आप सो के उठते हैं विदाउट अलार्म। तो यही तरीका होता है, अगर आपकी हार्ट रेट ज़्यादा रैपिडली आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। रेस्टिंग पे भी आपकी हार्ट रेट आ रही है तो ज़्यादा। और दूसरी, अगर आपकी हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट से भी नीचे आ रही है तो हो सकता है मे बी कि आप वर्कआउट करते हो, कार्डियो करते हो ज़्यादा, इसलिए आपकी हार्ट रेट कम आ रही है। लेकिन उसके बिना भी, मतलब अगर आप वो एक्टिविटी भी नहीं करते फिर भी हार्ट रेट नीचे आ रही है तो समथिंग इज़ रॉन्ग। तो ये देखा जा सकता है। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कितनी मेरी हार्ट रेट आ रही है। तो जैसे जैसे आपका जो एक्टिविटी लेवल है वो भी डिपेंड करता है कि वही आपकी हार्ट रेट बताता है कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे हार्ट पे भी स्ट्रेस पड़ रहा होगा कहीं ना कहीं। अभी देखना मेरी हार्ट रेट कितनी आएगी, अभी इसको कैच करने में भी इतना टाइम लग रहा है। ये देखिए, मैं इसका भी तरीका बताऊंगा कि ये एक ही दम से कैच करे और एक्यूरेट आपको 15 से 30 सेकंड में आपकी हार्ट रेट बताए। ये देखिए, हार्ट रेट आई नहीं है बिल्कुल भी, अब आ गई है। मेरा सैचुरेशन पल्स ऑक्सीजन दिखा रहा है 97 के करीब और मेरी हार्ट रेट जो है वो 98 है। अब मैं जैसे कि बोल रहा हूँ तो मेरी 98-99 के करीब है और हो सकता है मे बी 100 भी जा सकती है। अब SpO2 है मेरा ऑक्सीजन लेवल, अगर ये 90 से ऊपर है तो मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी हार्ट रेट है। अब मैंने बोला कि मैं बोलने जा रहा हूँ तो मेरी हार्ट रेट ऊपर नीचे हो सकती है, तो डिपेंड करता है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। अब इसको एक्यूरेट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने माइंड को काम करें, शांत हो जाए, अपना लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को ले और उस पर थोड़ी सी हवा मारे। अब मैं इसको लगाऊंगा और मैं बटन दबाऊंगा और मैं चुप हो जाता हूं ताकि ये ठीक से दिखाए, और 15 से 30 सेकंड, 30 से 40 सेकंड देता हूं। अब मेरा जो SpO2 है वो 98 है और 96 मेरी हार्ट रेट आ गई है, मतलब मेरी हार्ट रेट 100 के नीचे आ गई है। मैंने बोलना बंद किया तो मेरी हार्ट रेट नीचे आ गई है। तो घबराए ना, क्योंकि ये फ्लैक्चुएट करता रहता है, लेकिन 90 से ऊपर आपका SpO2 होना चाहिए और आपकी हार्ट रेट जो है वो 60 से 100 के बीच होनी चाहिए, जब आप रेस्ट कर रहे हो तब की बात कर रहा हूँ। बाकी डिपेंड करता है आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है ये कि आपको जब भी हार्ट रेट निकालनी हो अपनी, तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग याद रहे कि अलार्म भी नहीं बजना चाहिए जब आप सो के उठे, बेड पे उठते ही अपनी जो है हार्ट रेट आप चेक करें। बाकी डिपेंड करता है आपका कौन सा पल्स ऑक्सीमीटर है, बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं, लेकिन घबराए ना, थोड़ी सी हवा मारे और इसको चेक करें, ये एक्यूरेट दिखाने लगेगा। 30 से 40 सेकंड का समय इसको दे, क्योंकि ऊपर से नीचे तक ये मैनेज करता है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।